हाय हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं बी फ्री के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा विषय है उससे कहीं ना कहीं हर एक महिला हर एक लड़की दो चार जरूर होती होगी। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है पेनफुल पीरियड्स। आखिर क्यों पीरियड्स के दौरान पेन होता है और वो पेन कौन सा पेन है जिसे एक तरह से अबनॉर्मल पेन माना जा सकता है और वो कहीं ना कहीं किसी तरह की जटिलताओं से जुड़ा होता है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेनफुल पीरियड्स क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या होम रेमेडीज इसे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ दिलाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर हमें इसके इलाज के लिए ट्रीटमेंट की ओर रुक करना आवश्यक है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डोरोथी घोष जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कुछ पलों के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी विषय से जुड़ा आप लोग सवाल पूछें ताकि उन सवालों के जवाब आपको मिल सके। डॉक्टर डोरोथी घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है जल्दी के इस लाइव सेशन में। हाय अंकिता। तो डॉक्टर, जैसा कि आज का हमारा विषय है पेनफुल पीरियड्स पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी, ओवरऑल जर्नी के बारे में आपकी। ओके, आई एम डॉक्टर डोरोथी, आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन केयर आईवीएफ। तो बहुत सालों से मेरा इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस रहा है एंड आफ्टर पासिंग माय एमबीबीएस एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी I proceeded with infertility management and my further training in infertility. And it's now years that I am working as a fertility consultant. I really love my job, Ankita. And ye job mere bahut hi close hai. I'm passionate about my job. Kyunki at the end of the day, jo patients, jo couples mere paas aate hai, matlab baby planning ka sapna leke. और वो हम अपने इलाज, अपने कंपैशन, अपना जो उनके साथ जो हैंड होल्डिंग करके जो ट्रीटमेंट करना होता है एंड आई गिव देम अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एंड दे गेट अ बेबी, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल, और आपका ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आज कहीं ना कहीं हमें हमारे दर्शकों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे लाइव सेशन की शुरुआत ही हुई है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय आज उठा रहे हैं जिससे हर एक महिला कहीं ना कहीं दो चार जरूर होती है। तो इस पर हम बातचीत का अब सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट आर नॉर्मल पीरियड्स, नॉर्मल पीरियड्स क्या होता है? देखिए, नॉर्मल पीरियड्स जो है, जो मासिक चक्र हम लोग बोलते हैं, ये यूजुअली हर महीना हर महिलाओं का जो यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग होता है, इन मेडिकल साइंस इट्स कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, जो परख जो अंदर होता है गर्भाशय के अंदर, तो वो जो शेडिंग होता है हर महीना उसी को ही पीरियड्स बोलते हैं। ये आमतौर पर एक 28 डे का साइकिल होता है। इन अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 डे का साइकिल होता है और ये जो पीरियड्स का जो टाइम होता है एवरेज ये 3 से 4 दिन का टाइम होता है एंड नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटीज होना चाहिए। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पीरियड्स, क्योंकि जब जब कोई महिला में प्रेगनेंसी ना हो तो अंदर का जो परख है वो शेड करना बहुत जरूरी होता है। तो ये नेचर का ही सिग्नल है कि जब प्रेगनेंसी नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली वो अंदर का लाइनिंग वो शेड होता है और नए तरीके से एंडोमेट्रियल लाइनिंग तैयार होता है। जी, और जैसा कि आज हमारा विषय पेनफुल पीरियड्स, तो क्या पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल है होना? देखिए, यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अंकिता, कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है हम लोग को जानना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, थोड़ा बहुत पीरियड्स के टाइम में दर्द होना वो नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान वो जगह में काफी कंजेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, बॉडी का प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स बहुत बढ़ना शुरू होता है उस टाइम पे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ने के कारण जो गर्भाशय है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है,
तो ये जो मचोड़ने के वजह से ही पीरियड्स में पेन होता है, एंड थोड़ा बहुत वो जगह में सूजन होने के कारण, थोड़ा बहुत वो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो दर्द बढ़े, अत्यधिक हो, तो देन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न अंकिता. या और अगर टोटली क्रोनिक पेनफुल पीरियड्स की बात करें तो उसके पीछे के रीजंस क्या है? जैसा मैं पढ़ रही थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, तो इसे आप हमें कुछ समझाने की कोशिश करें. आप बिल्कुल सही बोले. ये जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है, या अगर धीरे धीरे देखा जाए कि महीने के समय में ये दर्द बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि भी दैट पर्टिकुलर वुमेन अपना जो डेली का एक्टिविटीज है वो कर नहीं पा रही, एंड उनका फैमिली हैम्पर हो रहा है. सिर्फ वही नहीं, अभी सारे महिलाओं का बाहर का भी काम रहता है, दे आर ऑल अटैच सम प्लेस, मोस्ट ऑफ द वुमेन नाउ आर वर्किंग वुमेन. तो उन लोगों के लिए अगर देखा जाए, ये दर्द के कारण उनका डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट हो रहा है, एंड वो कहीं पर मतलब बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही है, मतलब लेट के है, मेडिसिन लेना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. और जैसे आप बोले, यू've hinted upon both वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक हो गया आपका एंडोमेट्रियोसिस और एक हो गया आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं, अगर पेल्विक कैविटी में किसी भी तरह का सूजन हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, तो उस कारण से भी, वो सूजन के कारण से भी पेन हो सकता है. और एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, जैसे बहुत जन ये प्रश्न पूछते हैं, तो ये आम जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस एक गायनेकोलॉजिकल डिजीज है, जिसके कारण ये जो हर महीना जब मासिक चक्र के दौरान वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बैकफ्लो करके पीछे की तरफ जाके वो पेल्विक कैविटी के जगह जगह में वो डिपॉजिट होने लगता है, और जहां भी वो डिपॉजिट होता है वहां पर सूजन बनने लगता है, एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स एंड स्पॉट्स बोलते हैं, एंड धीरे धीरे सब जो ऑर्गन्स है अंदर का वो चिपकने लगता है. तो दैट ऑल्सो कॉजेस अ टेरिबल पेन अंकिता. बिल्कुल, और आगे भी मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इस बीच पहले एक सवाल ले लेते हैं मैम. प्रभा जी ने पूछा है कि बैक पेन और चेस्ट पेन क्यों होता है पीरियड के एक हफ्ते पहले से, एनी टिप्स, वो जानना चाह रही हैं. राइट, देखिए जैसे हम बोले ना कि जब मासिक चक्र के टाइम आ जाता है, वो धीरे धीरे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो कंजेशन हो जाता है, मतलब यूटरस में, क्योंकि ब्लड जमना शुरू होता है तब, बिफोर द शेडिंग, तो इस कारण से वो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, और वही पेन जो है नर्व के द्वारा वो पीछे रेडिएट होता है. ऐसे बैक पेन क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी इज कनेक्टेड बाय नर्व्स ऑल ओवर द बॉडी. तो अगर पेट के नीचे निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, तो वही दर्द जो है वो रेडिएट करके लोअर बैक में भी जाता है, स्पाइन में भी जाता है. दैट इज वाई वो लो बैक पेन भी होना शुरू होता है. सिर्फ वही नहीं, इवन द पेन कैन रेडिएट टू द थाइस, इट कैन रेडिएट टू द थाइस एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स ऑल्सो, मतलब पैर की तरफ, थाई की तरफ भी वो दर्द फैल सकता है. और इनका जो चेस्ट पेन होने का ये जो बोल रही है, तो दैट मेनी अ टाइम्स वो देखिए हो सकता है इट इज कोइंसाइडिंग विद मेंस्ट्रुअल पेन. ये भी हो सकता है कि वो गैस के वजह से, कोई एपिगैस्ट्रिक पेन मानिए, इसीलिए खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीरियड्स के दौरान. तो कभी कभी एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कुछ आपने स्पाइसी खाना ले लिया, उसके कारण आपका अगर गैस्ट्राइटिस का पेन हो, वो भी मेंस्ट्रुअल पेन के साथ कोइंसाइड कर सकते. सो आई थिंक दैट इज इट. या और एक सवाल नेहा जी ने भी पूछा है, उन्होंने कहा है कि हर मंथ मुझे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और वो पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग बहुत होती है, ब्लड क्लॉट्स, तो इसकी वजह क्या है? नाउ देखिए, जैसे हम आपको बताए, मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में जैसे ब्लीडिंग नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होना या क्लॉट्स निकलना भी सही बात नहीं है. ये
एक तरीके से एक औरत को वीक कर देगा, दैट इज वन थिंग, मतलब कमजोरी ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा अगर क्लॉट्स पास करना वो शुरू करे तो। ये ब्लड क्लॉट पास करने का बहुत कारण हो सकता है, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो हॉर्मोनल इम्बैलेंस के कारण। मानिए अ वेरी कॉमन थिंग इज थायराइड, अगर कोई महिलाओं में थायराइड लेवल्स नॉर्मल ना हो तो उसके कारण भी, इसको हम लोग मेडिकल साइंस में बोलते हैं मेनोरेजिया। तो हैवी ब्लीडिंग जो होता है बहुत बार अगर हॉर्मोनल लेवल सही ना हो उस कारण से हो सकता है। सेकेंड इज कोई पैथोलॉजी, जैसे अगर गर्भाशय के अंदर में कोई मांस का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप, वी डोंट नो, अगर कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो वो लड़की में या महिलाओं में देखा जाएगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज फाइब्रॉइड, अगर गर्भाशय के अंदर में इफ इट्स एन इंट्राम्यूरल और सबम्यूकस फाइब्रॉइड, जो कैविटी के अंदर कोई अगर ट्यूमर है, जो बेनाइन ट्यूमर फाइब्रॉइड होता है, अगर उसका साइज काफी बड़ा है तो उस कारण से भी उस महिला में देखा जाएगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड भी ज्यादा निकल रहा है और उसके साथ ब्लड क्लॉट भी निकल रहा है। जी, और जैसा कि हम देखते हैं अपने देश की महिलाओं में ये रहता है कि किसी भी समस्या का निवारण जो है उनके किचन में जरूर होता है, तो क्या पेनफुल पीरियड्स के लिए भी होम रेमेडीज इफेक्टिव होते हैं? एब्सोल्युटली अंकिता, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पीरियड्स के टाइम में जो दर्द होता है ये हम लोग घरेलू उपचार में कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत बहुत प्रिलिमिनरी कुछ टिप्स है, ड्यूरिंग पीरियड्स महीने के समय में हमेशा लेट के नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं कि आप अपना रेगुलर वॉकिंग करिए, आपका घर का जो नॉर्मल काम है वो करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हैवी जिमिंग करिए, वो पॉसिबल नहीं होगा उस टाइम में, लेकिन रेगुलर वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइजेस, एक्टिव लाइफ लीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना वो रेस्ट या लेट के रहेंगे वो दर्द ज्यादा होगा। ये पहली बात। दूसरी जो बात है, थोड़ा गर्म पानी के साथ नहाना, इस टाइम में देखा गया है आराम मिलता है। थर्ड जो है आपका हॉट वाटर बैग यूज करना, जैसे सबके घर में हॉट वाटर बैग होता ही है, तो अगर थोड़ा हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करें इस समय में तो काफी आराम मिलेगा, दैट इज वन थिंग। एंड घरेलू उपचार में ये भी देखा गया है कि थोड़ा तनाव कम रखे, जैसे स्ट्रेस लेवल जो बोलते हैं, इस टाइम में बहुत जरूरी है कि कोई भी स्ट्रेस आपका ये पेन और भी एग्रेवेट करेगा, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो। तो जितना हो सके तनाव कम रखे, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, मेडिटेशन करे, रिलैक्स थोड़ा रहे, अपना जो हॉबीज है वो परस्यू करे। एंड खान पान के बारे में भी हम बहुत जल्दी बात करेंगे कि क्या क्या खान पान से भी आराम मिल सकता है। बिल्कुल, और जैसे कि हम होम रेमेडीज पे बात ही कर रहे हैं तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक्स जो है वो भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है पीरियड्स की पेन को कम करने के लिए। यस, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक्स डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट एंड इन टॉपिक है। सो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स है जो पहले हम लोग के जानकारी में नहीं था, लेकिन अभी वो बहुत इजीली अवेलेबल भी है। मॉल्स में जाके हम लोग हर चीज को हम लोग परचेज भी कर सकते हैं, और ये बहुत घरेलू उपचार है, घर में ही इसका इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। इसमें एक हो गया जिंजर टी, जो बोलते हैं जो जिंजर होता है, अदरक, अदरक का बहुत इंपॉर्टेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो अगर जिंजर टी हम लोग पिए तो इस समय में बहुत आराम मिल सकता है। वैसा ही एक तरीके का चाय होता है जिसको बोलते हैं चैमोमिली टी, तो ये इसमें देखा गया है हाइपुरेट, इसमें दो केमिकल्स होते हैं हाइपुरेट एंड ग्लाइसिन, जो मसल स्पाज़म, जैसे हम बोले ना जो अंडर गर्भाशय का जो मचोड़ना, जो कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये मसल स्पाज़म जो है ये तो केमिकल है चैमोमिली टी में, तो ये आपको कहीं पर भी बड़ा दुकान में मिल जाएगा, इसके इस्तेमाल से वो मसल स्पाज़म कम होता है। देन थिंग्स लाइक अ पेपरमिंट टी, ये भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रिंक है जो इस्तेमाल करने से आराम मिल सकता है। एंड
दे आर लॉट ऑफ ग्रीन स्मूदीज बोलते हैं, जैसे हम लोग घर में फ्रूट जूस बनाते हैं, अगर हम लोग हरा सब्जी या फल के साथ वो जूस बनाए एंड ग्रीन स्मूदी हो, क्योंकि अगर हरा सब्जी हो या हरा फल हो उसमें देखा गया है आयरन का कंटेंट भी ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो इस तरीके का ड्रिंक अगर हम लोग घर में तैयार करें, वो पानी के साथ कर सकते हैं, मिल्क के साथ कर सकते हैं, जो जिसको जैसे पसंद है, और उसको हम लोग रेगुलरली पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को एडवाइस करें पीने के लिए, आई थिंक उनको आराम मिलेगा। जी, जैसे मैग्नीशियम की आपने बात की तो मैं ये पढ़ रही थी, क्योंकि अगर किसी टॉपिक पे हमें बात करना रहता है तो पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। yes, तो मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है पेन को कहीं ना कहीं कम करने के लिए। मैं पढ़ रही थी कि बहुत हेल्पफुल होता है ये। यस, मैग्नीशियम जो होता है, कुछ कुछ जैसे आप बोले, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जो आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन लोग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नॉट ओनली ये लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी के हिसाब से काम करते हैं, बहुत टाइम्स जो है ये जो हम नर्व इम्पल्सेस बोले, जो हम लोग के बॉडी में, जो सारे बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, नर्व कनेक्शन, नर्व कनेक्टिविटी के लिए भी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैग्नीशियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी, और यहाँ पे गौतमी जी ने सवाल किया है कि उनको पीरियड्स अब बस आने वाला है, 13th या 14th डेट है, तो उन्हें आज से ही कहीं ना कहीं एक लाइट स्टोमक पेन हो रहा है और आगे ये और भी ज्यादा हो जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है और उन्हें क्या करना चाहिए? महिलाओं में पीरियड्स शुरू होने के पहले उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि अंदर में धीरे धीरे जैसे कंजेशन बढ़ता है, इस टाइम में थोड़ा पेल्विक ऑर्गन्स थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, थोड़ा कंजेशन बनना शुरू होता है, तो धीमा धीमा एक दर्द रहता ही है। लेकिन अगर उनके पीरियड्स के दौरान अगर दर्द उनका इतना ज्यादा हो रहा हो कि डेली एक्टिविटीज उनके लिए मुश्किल हो रहा हो, देन आई थिंक उनका फर्दर इवेल्युएशन करना जरूरी है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, कुछ ब्लड टेस्ट करे, एक अल्ट्रासाउंड करे, गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार एग्जामिन करने दे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहीं हम लोग कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि किस तरह के हेल्दी डाइट अपनाने चाहिए, क्या कुछ खाने में इंक्लूड करना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अंकिता, एंड हम सबको ये चीज बोलना चाहेंगे कि इस टाइम पे, एंड ताकि पेन कम हो एंड एक हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये पीरियड्स के दौरान कुछ कुछ खाना हम लोग को परहेज करना चाहिए और कुछ ज्यादा करके लेना चाहिए। जो परहेज करना चाहिए वो है टू मच ऑफ फैटी फूड। बोलते हैं कि टू मच ऑफ फैट रिलेटेड फूड, फ्राइड बोलिए या घी तेल जो भी, मतलब टू मच ऑफ स्पाइसी एंड ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। वैसे बोलते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज देखा गया है सैचुरेटेड फैट जो होता है इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस इन द बॉडी, और प्रोस्टाग्लैंडिंस जैसे हम अपने टॉक में शुरू में ही बोले थे कि पीरियड्स के दौरान ऐसे भी प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल बढ़ना शुरू होता है जिस कारण से यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है और पेन होता है, तो जितना हो सके प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो एनी काइंड ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस इन द बॉडी, तो इसीलिए इस टाइम पे बहुत हल्का खाना चाहिए, घर का नॉर्मल खाना, नॉट टू मच ऑफ ऑयली स्पाइसी फैटी फूड, दैट इज वन थिंग। ये भी देखा गया है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ज्यादा इस टाइम पे। अनदर थिंग इज कैफीन इनटेक, जैसे कॉफी बोलिए, चाय बोलिए, ये बहुत ज्यादा ना ले तो ही बेहतर है, कैफीन इनटेक कम करना चाहिए। वुमेन हु हैव एडिक्शन जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इस टाइम में जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल जितना कम करेंगे उनके हेल्थ के लिए भी बेटर है एंड quality of life during menstrual period, ये भी healthy रहेगा। और अभी क्या क्या लेना चाहिए?
देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ कुछ चीजें हैं जो एक रिमार्केबल काम करते हैं इस टाइम में, देखा गया है। एक हो गया दाना मेथी, देखा गया है अगर हम लोग दाना मेथी जो है ये पानी में हम लोग भिगो के रखे और वही पानी को हम लोग पिए, मतलब महिलाओं को एडवाइस करे पीने के लिए, तो इससे उनको एक रिमार्केबल, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये एक टिप भी है। तो देखा गया है उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट जरूर होगा जो एक चमत्कार काम करते हैं। दूसरा जो हो गया, जो हम लोग सिनेमोम का भी स्ट्रेंजली देखा गया है इस टाइम में उपयोग करने से, वो आप खाने में जिस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करना चाहो, सिनेमोम का इस्तेमाल करने से भी इस टाइम में काफी हेल्प होता है और अच्छा भी होता है जी। और इस बीच दीपिका जी ने भी एक सवाल किया है कि उन्हें हर वक्त पीरियड्स जो है 10 दिन पहले आ जाता है, ऐसा क्यों होता है ये वो जानना चाह रही है, और बहुत ज्यादा पेन होने के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है। राइट, ये हम जरूर एक बार बोलना चाहेंगे कि अब आज जैसे हम लोग का टॉपिक है पेनफुल पीरियड्स, मासिक चक्र के समय में, पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है इसको लेके तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, ये भी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एसोसिएटेड सिम्टम्स भी कुछ होते हैं। सो जैसे पीरियड्स के पेन जैसे बहुत महिलाओं को, यंग लड़कियों को होता है, बहुत जन को, स्पेशली देखा गया है यंग लड़कियों को जब उनका मासिक चक्र शुरू होता है उन लोग को वॉमिटिंग भी होता है, वॉमिटिंग होता है, एक नॉजियाटिक फीलिंग होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, देयर इज लॉस ऑफ एपिटाइट। यहाँ तक कि भी बहुत यंग लड़कियों का ये भी हम लोग को एडोलेसेंट ग्रुप में कंप्लेन जैसे हम लोग को मिलता है कि फेंटिंग अटैक्स, मतलब उनका सर चक्कर देना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंकिता कि दर्शकों को हम लोग ये चीज बताए कि मेंस्ट्रुअल पेन के साथ साथ नॉजिया, वॉमिटिंग, यू नो, लॉस ऑफ टेस्ट, फेंटिंग अटैक्स भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स है जो उनके जानकारी में होना चाहिए। लेकिन घबराना नहीं है, जैसे जैसे सिम्टम्स उनका आते जाएंगे उसका रेमेडी उन्हीं को निकालना है, या एक टाइम के बाद अगर वो ज्यादा एक्सेसिव हो तो जरूर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें। और जैसे आपका जो प्रश्न है, ये दीपिका मैडम जैसे पूछे कि इनका जो मासिक चक्र है ये जल्दी क्यों आता है, हमेशा 10 डेज पहले क्यों आता है, देखा गया है दोनों तरफ का जो अंडाशय है जहां से हम लोग के फीमेल हॉर्मोन्स हम लोग का सिक्रीट होता है, आपका ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है अंडाशय से, तो जैसे जैसे महिलाओं में एज बढ़ना शुरू होता है तो उनका ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है क्योंकि फीमेल हॉर्मोन्स घटना शुरू होता है। तो जैसे हम इनका एज तो ऐसे मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आइडिया करके हम बोल रहे हैं, जैसे महिलाओं में अगर एज ज्यादा हो और उनका फीमेल हॉर्मोन्स अगर धीरे धीरे घट रहा हो तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शॉर्ट होने लगता है, इसीलिए उनका पीरियड्स हमेशा समय के पहले आना शुरू होगा। दैट इज अ हिंट दैट मे बी हर हॉर्मोन लेवल्स आर गोइंग डाउन। जी, और प्रिया ने सवाल पूछा है और ये सवाल मेरा भी था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर बहुत पेन हो रहा है तो हम पेन किलर खा लेते हैं, थोड़े वक्त के लिए आराम जरूर मिल जाता है, तो उनका सवाल यही है कि क्या पेन किलर ले सकते हैं और ये सही है हेल्थ के लिए? देखिए, पेन किलर्स ले भी सकते हैं और ये गलत भी नहीं है टिल अप अ सर्टेन लेवल। थोड़ा बहुत अगर वर्किंग वुमेन है, अगर उनको बाहर काम पे जाना है, उनका कोई एग्जामिनेशन अगर स्टूडेंट लेवल पे है, कोई एग्जामिनेशन है, उनका कोई इंटरव्यू है, देखिए जिंदगी कभी थम के नहीं रहेगा, जिंदगी तो चलता ही रहेगा, हर किसी का कुछ ना कुछ रहेगा ही एजेंडा। तो जैसे बहुत प्रिलिमिनरी कुछ पेन किलर्स है, उसमें है पैरासिटामोल, हम लोग जैसे बहुत बार अगर पैरासिटामोल टैबलेट्स ले तो वो देखा गया है कि सेफ भी है, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, तो पैरासिटामोल, बहुत जन को पैरासिटामोल से काम नहीं होता है तो आइबुप्रोफेन या कीटोरोला ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जैसे हम अपनी तरफ से हम जरूर प्रेस्क्राइब करना चाहेंगे मेफिनामिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मेफिनामिक एसिड जो है, मेफ्टाल, ये जो मेडिसिन ग्रुप है ये सेफ है, हर कोई उसको ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
अप टू अ सर्टेन लेवल, ऐसे नहीं कि दिन में चार टैबलेट ले लिए, ऐसे नहीं, एक दो टैबलेट अगर वो दो से तीन दिन थोड़ा आराम मिलने के लिए वो ले तो वो खराब नहीं जी। और डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए, जैसे अगर एक महीने पीरियड्स पेन बहुत ज्यादा अगर किसी को हो रहा है फिर नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को तीन से चार महीने तक लगातार पेनफुल पीरियड्स कोई फेस कर रही है महिला या लड़की, तो कंसल्ट कब करना चाहिए, किस स्थिति में? देखिए हम लोग जैसे सारे चीज लेके बात किए, हम लोग बात किए घरेलू उपचार, हम लोग लाइफस्टाइल लेके बात किए, डाइट लेके बात किए, थोड़ा बहुत पेन किलर्स लेके हम लोग बात किए, राइट। लेकिन अभी बात आ जाता है कि इन सब करने के बावजूद भी अगर कहीं कोई महिलाओं में देखा जा रहा है कि वो दर्द वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, इतना ज्यादा हो रहा है क्रैम्प्स कि घर वाले भी परेशान, वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, ऊपर से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स पास हो रहा है, एंड शी इज इन अ काइंड ऑफ अ टेरिबल स्टेट, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा बहुत एक दो महीना देख भी लिए, तब अगर देखा जाए कि ये पेन किसी भी तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब उनको समझना है कि कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी है अंदर, तो तब वक्त है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करे ताकि वो गायनेकोलॉजिस्ट उनको उनका डिटेल हिस्ट्री ले, उनको एग्जामिन करे, या पेल्विक एग्जामिनेशन तब बहुत जरूरी हो जाता है अंकिता जी। कि किस तरह के एग्जामिनेशन किए जाते हैं और फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? राइट, तो पहले जो होगा कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर वो जाती है, अगर हम लोग के पास आती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इफ शी इज एन एडोलेसेंट गर्ल, प्यूबर्टी एज में अगर पेन हो रहा हो तब भी एक हिस्ट्री, अगर रिप्रोडक्टिव ईयर्स के महिला है तो उनका अपना एक हिस्ट्री। हम लोग डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद वी डेफिनेटली गो अहेड विद अ पेल्विक एग्जामिनेशन, जो पर वजाइनल एक एग्जामिनेशन बोलते हैं। इससे हम लोग को बहुत मतलब बहुत समझ में आता है कि इनका जो गर्भाशय है ये बल्कि है कि नहीं, इसमें हम लोग को कोई मास जैसा कोई ट्यूमर जैसा महसूस हो रहा है कि नहीं पेल्विक एग्जामिनेशन में। सिर्फ वही नहीं, पेल्विक एग्जामिनेशन के समय भी समझ में आता है कि उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज दैट इज अ हिंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है वो महिला के लिए हम लोग का जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो गिव द गायनेकोलॉजिस्ट अ हिंट कि नहीं कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, द यूट्रस इज बल्कि। देन समटाइम्स इन पेल्विक एग्जामिनेशन हम लोग कुछ नोड्यूल्स अंदर फील करते हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, तो दैट विल नाउ टेक अस टू द सेकेंड स्टेप। जैसे इनिशियली हम लोग हिस्ट्री लिए, एक फिजिकल एग्जामिनेशन किए, अगर इसमें कुछ सस्पेशन आया तब हम लोग आगे जाके इनका कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, इनका एक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि इनका पेल्विक कैविटी में पैथोलॉजी है कि नहीं। बहुत बार ये भी होता है कि मैनी यूज अ कॉपर टी, जैसे आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे अगर कॉपर टी या मल्टीलोड किसी के इन यूट्रस है तो वो कभी कभी वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो उसके कारण भी यू नेवर नो कि उसके कारण भी पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो अनलेस रेंटल हम लोग एक पीवी करे, एक अल्ट्रासाउंड फ्यूचर में करे, तो समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर जी। और इसके लिए फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, अगर किसी को होम रेमेडीज से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है जैसा कि आपने भी बताया, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो फिर व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पेनफुल पीरियड्स? राइट, सी अंकिता, जैसे हम लोग शुरू में बोले कि देर आर अ लॉट ऑफ एनसेड्स विच आर द पेन किलर्स नॉर्मली गिवन, ये ओवर द काउंटर भी मिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर नॉर्मल एनसेड्स पेन किलर्स से काम नहीं हो रहा हो, जैसे हॉट वाटर बैग यूज किए, पेन किलर्स लिए, लेकिन उससे आराम नहीं हो रहा हो, तो तब उनको जरूर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। और अभी सबसे पहले बिफोर गोइंग इन टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, हम लोग मेडिकेशन देने के पहले उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जरूर होना चाहिए
कि हम लोग ब्लड टेस्ट करके देख ले कि उनका थायराइड लेवल सही है कि नहीं, प्रोलैक्टिन लेवल सही है कि नहीं. अगर वी आर सस्पेक्टिंग एंडोमेट्रियोसिस तो CA-125 भी हम लोग चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं. अगर सब कुछ नॉर्मल है और उनको ऐसे पीरियड्स में पेन हो रहा है, अगर यंग लड़की है, शी इज नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी राइट नाउ, मेनी ऑफ द टाइम्स हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं साइक्लिक के लिए, कुछ महीने लेने के लिए. तो इससे क्या होता है, बॉडी का हॉर्मोन लेवल्स भी सही होता है, अंदर का सूजन कम होता है, एंड ये पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है ये भी कंफर्टेबल उनके लिए हो जाता है. सो समटाइम्स 3-4 साइकिल्स ऑफ अ ओसी पिल इज नॉट अ बैड आइडिया. लेकिन अगर हम लोग को देखना है एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ शी इज, अगर कोई महिला तब बेबी प्लानिंग कर रही होते हैं तो उनका इलाज अलग होगा. उनको हम लोग को समझाना है कि बहुत सारे दवा अगर हम लोग दे आपके पीरियड सप्रेस करने के लिए, तो उससे आपका ओव्यूलेशन और आपका बेबी प्लानिंग भी हैम्पर हो जाएगा. तो आपको कौन सी चीज को प्रायोरिटी देना है, यू नो, देन वी सिट डाउन विद अ डिटेल डिस्कशन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेदर वी वॉन्ट टू इंसर्ट अ काइंड ऑफ अ मेरीना, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो भी इन तरीकों का ट्रीटमेंट है, इसके साथ बेबी प्लानिंग का ट्रीटमेंट एक साथ तो नहीं हो सकता. सो समवेयर हम लोग को बैलेंस करना जरूरी है. सो द टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हम मेंशन करना चाहेंगे, एज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि व्हाट इज द एज ऑफ द वुमेन, उस पर पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड होता है. एंड सेकेंड, वेदर हर फैमिली इज कंप्लीट, वेदर शी वॉन्ट्स अ बेबी, मतलब कौन से स्टेज में है, ये महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उस हिसाब से वी कैन गो अहेड विद ट्रीटमेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि पेनफुल पीरियड से फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, ये जो पेन होता है ना, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में डिसमेनोरिया बोलते हैं, पेनफुल पीरियड्स, राइट, ये यूजली दो तरीकों का होता है. एक हो गया प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक हो गया सेकेंडरी डिसमेनोरिया. अब प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब जिसमें कोई अंदर में पैथोलॉजी नहीं है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. जैसे हम शुरू में ही बोले, दैट इज प्राइमरी डिसमेनोरिया. यूजुअली यंग लड़कियों में ये देखा गया है जब उनका मासिक चक्र शुरू होता है, फिर जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तब भी थोड़ा बहुत पेन, लेकिन वो महिला में कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो वो प्राइमरी डिसमेनोरिया. नाउ प्राइमरी डिसमेनोरिया फर्टिलिटी पे इनका कोई असर नहीं है जी, फर्टिलिटी इश्यूज में इनका कोई असर नहीं है, बल्कि ये हम बोलना चाहेंगे कि पीरियड्स के दौरान पेन गिव्स अस अ हिंट, ये इशारा करता है कि ओव्यूलेशन सही तरीके से हो रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन. जो हम बहुत महिलाओं को ये चीज रीअश्योर करते हैं कि पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है, मतलब टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि आपका ओव्यूलेशन ठीक हो रहा है, आपका जो अंडाशय से अंडा बनना और वो सही टाइम में फूटना, ये आपका सही हो रहा है. तो कहीं ना कहीं पेन ड्यूरिंग पीरियड्स ये इशारा करता है ओव्यूलेशन. ओके जी, बट अगर सेकेंडरी डिसमेनोरिया है तो वो किसी ना किसी पैथोलॉजी के कारण हो रहा है. वो फाइब्रॉइड हो सकता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, वो आपका पेल्विक इन्फेक्शन जो PID हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अगर सेकेंडरी डिसमेनोरिया है और कोई पैथोलॉजी है, तो ये सब पैथोलॉजी फर्टिलिटी जरूर अफेक्ट कर सकता है जी. और एक यहाँ पे मैम सवाल है कि क्या पेन किलर्स रेगुलरली अगर कोई लेता है तो उससे उनकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? देखिए, जैसे हम आपको बोले कि अगर एक सीमा में रह के हम लोग ले, ज्यादा हम लोग पेन किलर्स ना ले, जितना हो सके होम रेमेडीज पर स्ट्रेस करें, हॉट वाटर बैग यूज करना, जैसे हम लोग खान पान के बारे में बात किए, लाइफस्टाइल के बारे में बात किए, अगर पेन किलर्स थोड़ा सीमा में रह के महिलाओं को हम लोग बोले लेने के लिए, ज्यादा ना ले तो ही बेहतर है. क्योंकि कोई भी चीज आपका देखा गया है, NSAIDs भी बहुत ज्यादा लेने से दैट अफेक्ट्स ओव्यूलेशन हैम्पर करता है. और वही सिर्फ वही नहीं,
आपका गैस्ट्राइटिस, गैस का प्रॉब्लम बोलिए, आपका किडनी अफेक्ट होता है पेन किलर्स लेने से, तो बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेना सही बात नहीं है जी। और एक सवाल है, एक ने पूछा है कि क्या बनाना खाना अच्छा हो सकता है पीरियड्स के दौरान पेन को कम करने के लिए? देखिए, बनानास डेफिनेटली हैव अ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, जो देखा गया है लेवल्स आर डेफिनेटली हाई इन बनाना, एंड ऑल्सो बनानास डज नॉट हैव टू मच ऑफ द शुगरी कंटेंट। हम लोग जैसे शुगर प्रोडक्ट्स थोड़ा कट डाउन करने के लिए बोलते हैं इस दौरान, तो आई थिंक शी कैन सेफली टेक बनानास, नो प्रॉब्लम। और मुझे शायद ये सवाल पहले लेना चाहिए था कि योगा इसमें कितना ज्यादा मददगार साबित हो सकता है? राइट, देखिए योगा के बारे में हम जरूर बोलना चाहेंगे। योगा डेफिनेटली हैज अ वेरी पॉजिटिव रोल इन सिचुएशन में। इनफैक्ट अगर आप अपने योगा थेरेपिस्ट से, जिनका ऑलरेडी द वुमेन इज ऑन योगा थेरेपी, अपना योगा थेरेपिस्ट के साथ अगर उन लोग बात करें और इस बारे में और भी डिटेल में समझे, तो देर आर अ लॉट ऑफ योगा पॉस्चर्स जो देखा गया है इस समय में बहुत उनको आराम मिल सकता है और ये दर्द भी कम हो सकता है। कुछ कुछ जैसे हम बताना चाहेंगे, जैसे अगर ये लोग अपने योगा थेरेपिस्ट के साथ बात करें, देर आर सम पोजिशन लाइक द नी एंड द चेस्ट पोजिशन, देन देर इज समथिंग कॉल्ड द चाइल्ड पोज, रिक्लाइनिंग ट्विस्ट पोज, देन रेस्टिंग कॉप्स पोज, देर आर डिफरेंट योगिक पोस्चर्स जो अगर इस टाइम में वो अपने थेरेपिस्ट के साथ बात करें, there are 6 to 7 yoga postures jo in logo ke liye kafi aramdayak hoga, sahi bhi hoga, natural bhi hai, sehat ke liye bhi acha hai aur pain bhi kam hoga. Bilkul. Aur ek sawal Prabha ji ne pucha hai ki curd se bhi kya kuch pain kam ho sakta hai dahi khane se? Dahi khane se kam ho sakta hai, yes yes, jaise hum aapko bataye na cinnamon एंड इस सब के बारे में हम डिस्कस कर ही रहे थे, दाना मेथी सिनेमा, तो उसी लाइन पे हम बोलना चाहेंगे कि दही का इस्तेमाल करना भी सही होता है अगर हम लोग घरेलू वे में अगर हम लोग दही तैयार भी करें और उसका पोषण करें तो अच्छा होगा। और अगर पूरी तरह से देखा जाए, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें, तो क्या इसमें भी सप्लीमेंट्स इफेक्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं पेन को कम करने के लिए, अगर वो सप्लीमेंट्स विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम से समृद्ध हो तो? यस, यू आर राइट अंकिता, हम लोग को देख लेना चाहिए वो सप्लीमेंट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम लोग को वो चीज समझना चाहिए। अगर वो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मिनरल्स बोलिए, विटामिन्स बोलिए, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम के बारे में हम लोग मेंशन किए, फिर विटामिन्स अगर हम लोग देखें, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, इन सब का अगर वो सप्लीमेंट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स है तो जरूर उसका सेवन कर सकते, देयर इज नो हार्म इन दैट। बिल्कुल। और लास्ट में आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, फाइनल की टेक अवेज क्या है? Yes, the key takeaway is definitely हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जितना हो सके हम लोग स्ट्रेस फ्री रहे एंड वी लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेडिटेशन बोलिए, पर्सुइंग आवर हॉबीज, आवर पैशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। जितना हो सके ये पेनफुल पीरियड्स महिलाओं के लिए ईजी नहीं है, स्पेशली इन टूडेज लाइफ जहां महिलाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, वुमेन आर डूइंग एवरीथिंग इन टूडेज वर्ल्ड, घर का काम, बाहर जाना, उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कम नहीं होता है, यहां तक कि भी हॉलीडेज में बाकी सबको छुट्टी मिलता है बट महिलाओं को कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है, दैट इज अ फैक्ट। सो बींग अ वुमेन माई सेल्फ आई विल डेफिनेटली से कि हमेशा खुद पर ध्यान दें, खुद को निग्लेक्ट ना करें, अगर सब कुछ करने के बावजूद वो देखे कि उनका पेन कम नहीं हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है, तो जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को टाइमली विजिट करें ताकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेट ना हो। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी माय मैसेज। या
और डॉक्टर, मैं जाते जाते एक सवाल और ले लेती हूँ, मुझे लगता है ये सवाल लेना चाहिए। रंजना जी ने पूछा है कि डू पीरियड्स गेट मोर पेनफुल विथ एज? यस डेफिनेटली पीरियड्स, ड्यूरिंग पीरियड्स जो पेन होता है ये दो एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ही ज्यादा होता है, ये कुछ क्वेश्चन है। एक हो जी गया एडोलेसेंट एज, जब कोई मतलब यंग लड़कियों में जब मासिक चक्र शुरू होता है तब उनको पेन ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो जैसे हम बोले ना कि पीरियड्स का पेन इज मोर हिंटिंग टूवर्ड्स ओविलेशन, इट्स अ गुड साइन। तो यूजुअली देखा गया है यंग लड़कियों में दर्द ज्यादा होता है, डिसमेनोरिया ज्यादा होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी डिसमेनोरिया रहता है, कोई पैथोलॉजी नहीं होता है। लेकिन अगर महिलाओं में एज बढ़ना शुरू हो तो उनका भी अबव द एज ऑफ 40 इयर्स, 45 प्लस, जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पे भी दर्द ज्यादा होने लगता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी डिसमेनोरिया। यूजुअली देखा गया है वो कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी के कारण ही वो दर्द होता है इन एजेड वुमन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डॉरोटी घोष, और बहुत अच्छे से आपने समझाया। मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गया होगा कि कैसे होम रेमेडीज भी अपनाए जा सकते हैं और कब ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह के लाइफस्टाइल आपको अपनाने चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंकिता। आई रियली लव चैटिंग विद यू एंड होप आवर मैसेज गोज अक्रॉस टू एवरीबॉडी। या एग्जैक्टली, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर डॉरोटी घोष ने बहुत अच्छे से समझाया है कि पेनफुल पीरियड्स का सामना कैसे करना चाहिए और कौन सा पीरियड्स जो है वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया के कैटेगरी में आता है और कौन प्राइमरी डिसमेनोरिया के कैटेगरी में आता है। और अगर आपको पेन बहुत अधिक नहीं है तो होम रेमेडीज इफेक्टिव हो सकते हैं, योगा पॉजेस के बारे में भी उन्होंने बताया। और अगर पेन बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन के में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है पीरियड्स पेन को कम करने के लिए। और इसमें सप्लीमेंट्स का भी रोल बहुत अहम होता है, जैसे कि मैंने सवाल पूछा था डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि विटामिन मिनरल्स कैल्शियम से भरपूर अगर सप्लीमेंट है तो वो कहीं ना कहीं आपके दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। और इसमें जल्दी का सप्लीमेंट बैलेंस फॉर वुमेन भी बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो अगर आपको इस सप्लीमेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे zeldi.in के साइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर इंस्टा हैंडल पेज पर हमारे विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब के पेज पर विजिट कर सकते हैं, वहां तमाम वीडियोस है हमारे सप्लीमेंट को लेकर। अगर आपको किसी भी तरह की दुविधा है मन में, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है इस सप्लीमेंट को लेकर, तो आप जरूर विजिट कीजिए, तमाम वीडियोस देखिए और जानिए कि ये किस तरह से पीरियड पेन को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो इसी के साथ आज के हमारे लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं डॉक्टर से हम सवाल पूछे, उनसे बातचीत करें, उनसे एक बार फिर डिस्कशन करें, तो वो टॉपिक आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 636-636-3030। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद ज़ेल्दी। थैंक यू सो मच।